शर्मा आर वाचिंग परचम आज के सेशन को एक ऑन डिमांड सेशन समझिए बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइवेट बैंक्स इन इंडिया जो कि डिमांड किया गया है बाय हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बैंकिंग एक्सपायर जो कि अपने प्लेटफॉर्म पे हैं और वो करंट अफेयर की वजह से चैनल से बहुत स्ट्रॉन्गली जुड़े हुए एंड देवर डिमांडिंग फॉर अग लॉन्ग लौं टाइम बैंक जो है पब्लिक सेक्टर सेक्टर बैंक वो एक बार कवर कर लीजिए निमोनिक से तो हमने ऑलरेडी पब्लिक सेक्टर बैंक कवर कर लिए हैं और उसमें जो भी ट्वेल्व पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे उन सब के हमने फाउंडर फाउंडेशन ईयर देन सब कुछ किया था अगर आपने नहीं देखा है देखना है तो उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ओके यू कैन गो एंड वॉच इट अदरवाइज आप करण जी के प्ले लिस्ट पे चले जाइए बिकॉज बैंकिंग के अलग से कोई प्ले नहीं है सो so करण जी के प्ले में भी आपको वीडियो मिल जाएगा आज हम डिस्कस करेंगे ऑल दी ट्वेंटी प्राइवेट बैंक इन इंडिया और सेम चीजें इसकी भी याद करेंगे फाउंडिंगयर देन एम डी सी ई हेड क्वार्टर टैगलाइन फॉर ईच ऑफ 21 ट्स राइट इन दोनों ही टॉपिक्स का जो दो वीडियो हमने लिए हैं इसका एक सिंगल पीडीएफ आपको परचम क्लासेस डॉट इन पे अवेलेबल करवा दिया गया है करंट जी के फोल्डर में डाला गया है कोई अलग से प्लेसिस के लिए या फोल्डर अलग से नहीं बनाया गया सो इफ यू वांट टू टेक एट ऑल तो यू कैन गो एंड टेक इट फ्रॉम दैट अदरवाइज यू कैन मेक हैंड नोट्स और द इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल एवरीवेयर फॉर दैट मैटर ठीक है चलिए सो so, सबसे पहले आपसे पूछते हैं किक स्टार्ट क्वेश्चन जस्ट टू चेक अगर आपको पहले से बैंकिंग इन्फो है सारी तो आप ट्राई कीजिए आंसर करने का नहीं है अक्वायर करनी है तो इस वीडियो में आपको आंसर मिलेगा वेट कीजिए सो क्वेश्चन है लाइफ को बनाओ रिच लाइफ को बनाओ रिच इज दी टैगलाइन ऑफ विच बैंक एक न्यू टैगलाइन इश्यू किया किसी बैंक ने इन चारों बैंक में से किसी एक ने विच uh, बैंक हैज गिवन दिस टैगलाइन टू इट इज इट एच डी एफ सी बैंक आईसीआईसी बैंक ये बैंक और एक्सिस बैंक राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन इफ यू नो आंसर इफ यू डोंट वेट So, in शुरुआत करेंगे और फिर पूरी लिस्ट की तरफ मूव करेंगे हेडक्वार की पहले हम शॉर्ट एक असेंबली से आ, या टेक्निक से सारे हेडक्वार्टर्स को याद कर लेंगे उसके बाद एक एक बैंक लेकर के हम चलेंगे सो लेट एस इन

इट इज ऑलरेडी मर्ज विद डी बी एस बैंक जो एक इंटरनेशनल बैंक है और इंडिया में ऑपरेट कर रहा है यानी फॉरेन बैंक है हमारे लिए उसकी इंडियन सब्सिडरी है उसके साथ इसको मर्ज कर दिया गया था लक्ष्मी विलास बैंक तमिलनाडु बेस्ड था एंड इट वॉज मर्ज विद डी बी एस बैंक की इंडियन सब्सिडरी नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू ये जो डीबीएस बैंक है जो हमारे लिए एक फॉरन बैंक है फॉरन बैंक मतलब किसी और कंट्री का है पर इंडिया में ऑपरेट कर रहा है तो ये कौन सी कंट्री का बैंक है यानी इसके हेडक्वार्टर कौन सी कंट्री में है पर की जो चीज़ उसमें एक बार हम इनको पढ़ लेते हैं काफी सारे नाम से आप ऑलरेडी फ्रेंडली होगी आपने सुने होंगे बैंकिंग करते ही होंगे नहीं तो अदरवाइज सुने कुछ एक हो सकते हैं नॉट सो पॉपुलर जो आपने नहीं सुना हो सो सी एस बी बेसिकली केरला बेस्ड सिटी यूनियन बैंक इट इज तमिलनाडु बेस्ड अभी हम करेंगे याद है ना सिर्फ पढ़ते जाते हैं डीसीबी बैंक धनलक्ष्मी बैंक फेडरल बैंक एच डी एफ सी आई सी आई सी आई इंडस लिंक आई डी एफ सी फर्स्ट एंड देन नेक्स्ट लिस्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर बैंक कर्नाटका बैंक करूर वैसा बैंक कोटक महिंद्रा नैनीताल बैंक आरबीएल बैंक साउथ इंडियन बैंक तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक येस बैंक एंड आई डी बी आई बैंक लिमिटेड कई बच्चों को आई डी बी आई बैंक को लेकर के कंफ्यूजन होता है कि मैम इज इट अ पब्लिक सेक्टर बैंक और अ प्राइवेट सेक्टर बैंक प्लीज टेक नोट एज ऑन जून 2023 जब आप ये वीडियो देख रहे हो लेटर भी अगर आप देख रहे हो तो उस समय का मैं नहीं कह सकती लेकिन आज जिस तारीख को हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इट इज अ प्राइवेट बैंक क्योंकि गवर्नमेंट के जो स्टेक हैं इसमें वो अभी भी 50 परसेंट से कम है सो मोर देन 50 परसेंट स्टेक होते हैं गवर्नमेंट के तो ही उसको पब्लिक सेक्टर बैंक में ट्रीट किया जाता है सो so, पे अभी केवर्नमेंट स्टेक आर लेस देन 50 आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेक इन फोर्टी अराउंड कुछ गवर्नमेंट स्टेक हैं इसके अंदर रिमेनिंग आर विध एल आईसीटन परसेंटेज जो मेजोरिटी और बहुत थोड़ा परसेंटेज है जो इन्होंने अदरवाइज रखा हुआ होगा ठीक है सो इट इज अ प्राइवेट सेक्टर बैंक ना अब हम आते हैं याद रखें। तो हम एक, नहीं करेंगे, एक साथ याद कर लेते हैं फिर हमारा 11 आपको यहाँ दिख रहे हैं रिमेनिंग जितने भी बैंक हैं वो सब मुंबई बेस्ड है यानी मुंबई हेडक्वार्टर्ड है ठीक है तो उनको अलग से याद करने की जरूरत नहीं हम सिर्फ इनको ध्यान रख लेंगे जो हमने याद नहीं किया वो मुंबई राइट अब देखो

बैंक्स दिख फेडरल सी एस बी साउथ इंडियन बैंक दे दे आर आर बेस्ड बेस्ड इन केरला अब कैसे याद रख सकते? देखो, ले सकते हैं हम करेला खाते हैं ना राइट सो वी फेड समबडी करेला so, को आप केरला से एसोसिएट कर सकते हो केरला साउथ इंडिया में आता ही है सो साउथ इंडियन के साथ में आप एसोसिएशन बिठा सकते हो धन लक्ष्मी तो देखो अगर आप करेला बेचोगे या खरीदोगे तो धन इन्वॉल्व होगा सो धन लक्ष्मी बैंक आप केरला से एसोसिएट कर सकते हो सी एस बी ही चीजें आ रहा है कर्नाटका हेडक्वार्टेरी नाइस जे एंड के बैंक श्रीनगर है नैनीताल बैंक नैनीताल उत्तराखंड हेडक्वार्टर है और ये जो तीन बैंक आपको दिख रहे हैं सिटी यूनियन बैंक जैसे आप सी यू बी कह सकते हो करूर वैसा बैंक और तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ये तीनों ही तमिलनाडु हेडक्वार हैं तो देखो तमिलनाडु के लिए तो याद रखने की जरूरत नहीं है नाम में आ रहा है करूर वैसा ध्यान रखिएगा करूर तमिलनाडु में एक जगह है सो करूर वैसा वैसे याद हो जाएगा सी यू बी कब भाई कब तक जाएंगे हम तमिलनाडु कब पहुंचेंगे हम तमिलनाडु या तमिलनाडु के लिए आप नाड़ा ले सकते हो कब तक डलेगा नाड़ा पजामे में भाई कितनी देर हो गई सो बस कब को या टाइगर के कब ले लीजिए है ना उसको तमिलनाडु से एसोसिएट कर सकते हो सो so, ये इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं बाकी कोई हेडक्वार्टर याद रखने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑल द रिमेनिंग वंस आर इन मुंबई राइट चलिए तो ये काम आपके लिए आसान हो गया अब हम चलते हैं ओके बिफोर दैट लेट मी टेल यू समथिंग क्योंकि ऑल दो काफी सारे बच्चे ऑलरेडी अवेयर हैं स्टिल देर वुड बी मेनी अदर्स जो हो सकता है पहली बार चैनल पे आए हैं कि uh, बैंकिंग के लिए अलग से हम बैंकिंग अवेयरनेस या बैंकिंग के कोर्सेज या कुछ नहीं दे रहे हैं अभी बट येस वन थिंग इज देयर विच इज़ वेरी स्ट्रांगली रिकमेंडेड बाय वेरी मेनी बैंकिंग एस्पायर जो क्लियर करते हैं एग्जाम जो रैंक्स लेके आते हैं वो भी यहाँ से करंट अफेयर्स को रेकमेंड करते हैं दैट इज द सेम दैट आई एम रेकमेंडिंग टू ऑल द बैंकिंग एस्पायर सो अगर आप बैंकिंग एग्जाम दे रहे हो और करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो सो ऑफकोर्स गो थ्रू टू थ्री प्ले लिस्ट ऑन द चैनल डेली सी आता है वीकली सी आता है मंथली करंट अफेयर्स आता है सिक्स मंथली कंपाइलेशन आता है बैंकिंग और फाइनेंस का अलग से सी आता है मंडे को सेवन पी सो ये सारे करंट अफेयर वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चैनल पे मिल जाएंगे इफ यू वॉन्ट टू गो थ्रू द कंटेंट या आपको कंटेंट सपोर्ट चाहिए तो आई वुड रिकमेंड करंट अफेयर सब्सक्रिप्शन की तरफ आप मूव कर सकते हो जो भी कुछ चैनल पे पढ़ाया जाता है सीए का वो सब एक जगह आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा देर इज वन मोर फीचर ऑफ सवाल एमसीक्यू ई बुकलेट इसमें फॉर्मेट के अंदर हर क्वार्टर के दिस इज अ क्वार्टरली बुक फर्स्ट क्वार्टर की ऑलरेडी आ रखी है क्वार्टर की ऑफ uh, जुलाई आ जाएगी इसमें हर क्वार्टर की थ्री हंड्रेड एमसीक्यूज होते हैं और उसका फिर डिस्क्रिप्शन होता है सो so, अगर आप थियोटिकल फॉर्म से पढ़ना चाहें एमसीक्यू फॉर्म से पढ़ना चाहें करंट अफेयर के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इज प्रोवाइडेड बाई अस ठीक है सो यू कैन चेक आउट परचम ऐप फॉर दैट प्ले स्टोर पे एप्पल स्टोर पे आपको मिल जाएगी इफ यू हैव एनी 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 प्रॉब्लम डाउट्स है

चौधरी भी आप ले सकते हैं याद रह जाएगा अमिताभ ए से एक्सेस एंड बढ़ती का नाम जिंदगी देखो अमिताभ बच्चन की अगर हम बात करें तो उम्र बढ़ती जा रही है और उनकी जिंदगी उतनी शान शौकत में जा रही है तो बढ़ती का नाम जिंदगी जितनी उम्र बढ़ रही है उतना चमक रहे हैं अमिताभ जी तो इस तरह से हम एसोसिएशन बिठा सकते हैं मूविंग फॉरवर्ड आई सी आई सी आई बैंक आईसीआईसीआई बैंक नाइनटीन नाइनटी फोर में फाउंडेशन मुंबई अगेन संदीप बख्शी हम हैं ना ख्याल आपका सो so, मुंबई याद करने की जरूरत नहीं है आईसी आई सी आई आई सी आई सी है ना ऐसे कर सकते आई सी मैं आपको देख रहा हूँ हम ख्याल आपका रख रहे हैं ओके okay, टैगलाइन ध्यान रख लो हम है ना ख्याल आपका कैसे रख रहे हैं आप ख्याल आई सी हमने बोला बख्शो भाई इतना सी मत करो इतना ज्यादा तुम यू आर पीपिंग डोंट डू दिस बख्शो हमें बख्शो हमें सो so, इतना आई सी आई सी मत करिए बख्शी हमें सो so, संदीप बख्शी वैसे बहुत पॉपुलर नेम और फेस है न्यूज में कई बार बने रहते हैं जो भी नेम आपको पहले से आता है प्लीज डो नॉट गेट इन टूट द निमोनिक्स आता है तो बात खत्म हो गई जिनको एक दो बार रिपीट करके भी याद हो जाता है डोंट गेट इन टू निमोनिक्स अगर आपको याद करने में कंफ्यूजन हो रहा है टाइम बहुत कंज्यूम हो रहा है बार बार भूल रहे हो तो निमोनिक्स आर वंडरफुल टूल फॉर यू ठीक है हम है ना ख्याल आपका कैसे याद रखा हमने हम देख रहे हैं आपको तो ख्याल रख रहे हैं आपका चलिए एच डी एफ सी बैंक नाइनटीन नाइनटी फोर में बना मुंबई के अंदर है शशिधर जगदीशन शशिधर जगदीशन एंड वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड तो देखिए एच डी एफ सी बैंक एच डी एफ सी बैंक अगेन बहुत ज्यादा पिक्चरफुल है आपके लिए लोगो याद आ ही जाता होगा तो जब भी आप एच डी एफ सी बैंक में खाता खोलते हो ओम जय जगदीश हरे बजा दिया जाता है बैंक में बोलते हैं ये क्यों करते हो बोले बिकॉज वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड आपकी हर चीज रिलीजियस रिलीजियसेंटिमेंट से जुड़ी हुई होती है सिर्फ ट्रिक टेक्निक दे रहे हो ठीक है सो जगदीशन के लिए आप जगदीश हरे ले सकते हैं एच डी एफ सी में खाता खोलतेम जय जगदीश बजेगा बिकॉज वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड आप हर चीज में शुरू करने से पहले भगवान को याद करते हो तो हमने ये भी कर दिया ठीक है टैग लाइन भूलोगे नहीं अगर थोड़े थोड़े हिंट पिक्चर्स डालते चलोगे कोटक महिंद्रा बैंक बहुत सिंपल है एटी फाइव में बना ठीक uh, है माई ईयर देन मुंबई हेडक्वार्टर है उदय कोटक इस दी सी कोटक महिंद्रा उदय कोटक लेट्स मेक मनी सिंपल सो यहाँ पे आप टैगलाइन में से कीवर्ड क्या ले सकते हो मनी सिंपल महिंद्रा की गाड़ी भी सिंपल होती है बहुत आपको बाहर से बहुत फूफां जैसी नहीं दिखेंगी सारे वर्क करती है पर बेसिक होती है इसी तरह से लेट्स मेक मनी ऑल्सो सिंपल कोटक महिंद्रा महिंद्राज ने बोला मनी को को भी सिंपल सिंपल रखो जैसे हमारी चलिए छोटे-छोटे छोटे हैं बहुत लंबा कुछ याद नहीं रखना, को याद नहीं नहीं रखना रखना टेक्निक से एसोसिएशन बना लीजिए थिंग्स विल बी इन आपको चार ऑप्शन मिलेंगे में। yes, bank, bank so 2004 में बना, है, प्रशांत कुमार प्रशांत कुमार इज दी एम डी सीओ

ये सीन देख लोगे कभी नहीं भूलोगे प्रशांत कुमार हैं नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो येस बैंक बहुत ज्यादा टर्मोइल से गुजरा उथल पुथल से गुजरा लेकिन अब सब शांत है एवरीथिंग इज शांत नाउ नाउ तो प्रशांत कुमार ओके एंड दे आर सेइंग लाइफ को बनाओ रिच हंस रहे हैं आप अपने तो पहले शेयर होल्डिंग स्टॉक सेंसेक्स पे सब कुछ संभाल लीजिए फिर हमें रिच बनाइएगा ठीक है तो थोड़ा सा सारकाजन के साथ आप इनकी टैगलाइन को एसोसिएट कर सकते हो लाइफ को बनाओ रिच इंडसलैंड बैंक इंडसलैंड बैंक के अंदर एक वर्ड आता है इंडस इंडस रिवर सिंधु नदी राइटेटी सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी वो नदियों के आसपास हुई थी और उनमें से वन ऑफ दी अर्लियस्ट सिविलाईजेशन सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन कहलाई जाती है तो इंडस ने हमें पाला था इंडस ने बहुत सारे लोगों को पाला था तो पालिया इंडस असोसिएशन आ जाएगा राइट एंड वी केयर दिल से वी मेक यू फील रिचर आपने सोचा हमने किया ये कैसे करेंगे भाई आप नदी के पास हो तो आपको फीलिंग आती है कि आप रिच हो वहीं से खाना लेके खा सकते हो मछलिया पकड़ सकते हो पानी ले सकते हो सो वी मेक यू फील रिचर पैसा नहीं दे रहे हम इंडस आपको पैसा नहीं दे रही है लेकिन आपको फील रिच दे रही है तो ये हो सकता है वी केयर दिल से इसलिए नदी के पास आप रह रहे हो सो so आप छोटे छोटे हिंट लेकर के और इससे एसोसिएशन बिठा सकते हैं बिकॉज टैगलाइंस कैन बी रियली कन्फ्यूजिंग अच्छा नदी से पानी लेके एग्रीकल्चर कर ले हमने है ना तो ऐसा कुछ कर लीजिए बैंकिंग जरूरी नहीं है बीच में डालना ओके सो so इंडस को मेन पिक्चर बना के आप उसके आसपास सारी इन्फॉर्मेशन याद रख सकते हैं. इंडस ने हमें पाला तो सुमंत कट पा लिया हो जाएगा इंडस हमारी केयर कर रही है तो वी uh, केयर दिल से उसके बाद आपने सोचा हमने कि सब कुछ आप इंडस से एसोसिएट कर सकते हो आई एम योर टू गिव यू ओनली हेंड इलेबोरेशन थोड़ा थोड़ा खुद करिएगा चलिए आरबीएल बैंक पहले इसको रत्नाकर बैंक बोलते थे अब ये आरबीएल बैंक से ही जाना जाता है में फाउंडेशन हुआ मुंबई में बेस्ड है आर सुब्रमण्य कुमार आर कुमार अपनों का बैंक आरबीएल बैंक अपनों का बैंक इसके लिए बहुत ज्यादा हिंस नहीं है मेरे पास आरबीएल बैंक का आर और आर सुब्रमण्य कुमार का आर छोटा सा एक हंट आप चाहो तो ये पकड़ सकते हो बाकी आई डो नॉट हिंट फॉर इट सो वी विल प्रोसीड

तो हम करेला कहाँ बनाते हैं हम बाहर जाके होटल में थोड़े ना करेला खाते हैं हम अपने निवास पे आने अपने घर पे अपने होम पे करेला बनाते हैं सो so, करेला फीड या हम फीड हमें फीड कौन करता है हमारा निवास हमें फीड करता है वहाँ की किचन हमें फीड करती है सो so, हमने फीड किया केरला करेला ठीक है और वो हमने कहां फीड किया हमारे निवास पे फीड किया तो फेडरल बैंक केरला श्रीनिवासन सवासपास याद हो जाएंगे योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर और घर पे यूजुअली कौन फीड कर रहा होता है आपका पार्टनर आपको फीड कर रहा होता है जैसे अभी अगर आपकी मैरिज हो गई तो आप समझोगे नहीं हुई तो मम्मी पापा को देख लो बी कुकिंग राइट सो इस तरह से आपको करेला खिलाएगा आपकी सेहत का ध्यान रखते हुए so, सो फीड चारों चीजें एक साथ चली जाएंगी आपकी आगे बढ़ते हैं बंधन बैंक बंधन बैंक कोलकाता याद रहेगा अकेला प्राइवेट बैंक है कोलकाता हेडक्वार्टर है 2015 में फाउंडेशन हुआ था कोलकाता चंद्रशेखर घोष देखो वैसे कोलकाता और घोष आप सीधे-सीधे एसोसिएशन -सीधे बिठा सकते हो बिकॉज़ घोष बंगाली सरनेम है सो कोलकाता बेस्ड है तो याद रह सकता है नहीं तो कोई बात नहीं आपका जो बंधन है वो चांद से है ना एक बंधन चांद से हर बच्चे का रखता है होता है ना मम्मी करवा देती हैं चंद मामा तो हमारा बंधन किससे चांद से है तो चंद्रशेखर घोष हो जाएगा आपका भला सबकी भलाई बंधन बनाने से क्या होता है किसी से भी अगर हम रिलेशन या बंधन बनाते क्या होता है हमारा भला होते हमें कोई, कोई सबकी भला so, भी, भला सब भी भलाई होती है तो ऐसे एसोसिएट कर लीजिए आगे चलते हैं आई सो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1964 में फाउंडेशन हुआ था मुंबई है राकेश शर्मा अब वैसे तो ये राकेश शर्मा जी हैं अगर आपको राकेश शर्मा याद रहे वेरी गुड नहीं याद रहे तो फर्स्ट इंडियन टू लैंड ऑन मून राकेश शर्मा तो उन राकेश शर्मा जी का अकाउंट आई भी आई के अंदर है ऐसे याद रख लीजिए याद हो तो जाएगा सिंपल है soche, आओ, soche बड़ा। तो देखो राकेश शर्मा जो मून पे गए थे उनका अकाउंट भी हमने खोला आओ सोचे बड़ा हम जो भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जा रहे हैं उनके भी अकाउंट खोल सकते हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल यानी स्पेस में जा रहे हैं और बैंकिंग फॉर ऑल सबके लिए है बैंकिंग इंडस्ट्रीज के लिए भी है इंडिविजुअल्स के लिए भी है आई डी बी आई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है ना तो इस तरह से एसोसिएशन अगेन ले सकते हैं हम तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक कहाँ होगा तमिलनाडु हेड क्वार्ट होगा सो सोटोकोड़ी तमिलनाडु नाइनटीन में बना था एस कृष्णन इज दी सीई ना सी हर एक बैंक के एम डी नहीं है हर एक बैंक की डिटेल भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी हमने मैंशन कर दिया है तो आप चाहें तो याद कर लीजिए नहीं तो आप इसको बी भी कर सकते हो अगर न्यूज में आपको कभी तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक दिखता है तो एक बार वापस याद कर लीजिएगा ठीक है तो एस कृष्णन साउथ में ना कई लोगों के नाम में कृष्णन आएगा मुरली आएगा शिव आएगा भगवानों पे बहुत नेम्स होते हैं साउथ में तो तमिलनाडु एस कृष्णन ओके आई एम नॉट मेकिंग यू लर्न दिस करूर वैश्य बैंक सो नाइनटीन सिक्सटीन में करूर तमिलनाडु के अंदर है बी रमेश बाबू इज दी एम डी सी एंड स्मार्ट वे टू बैंक इज तो देखिए करूर के लिए हम करूर। करूर क्रूर क्रूर समझते हैं क्रूल क्रूएल को क्रूर बोलते हैं तो करूर बैंक के लिए हम ये ले सकते हैं तो रमेश बाबू एक चुटकी सिंदूर की कीमत आप क्या जानो रमेश बाबू वो थे तो रमेश बाबू बड़े क्रूअल थे बड़े क्रूर थे तो क्रूर बैंक के हो जाएंगे रमेश बाबू

डीसीबी मुरली एम नटराजन देखो डीसीबी के अंदर डीसी आ रहा है डायरेक्ट करंट होता है ना एसी डीसी बोलते हैं ना डीसी डीसी तो यानी डायरेक्ट करंट लगते ही नटराज की तरह डांस करने लग जाते हैं। ओके तो बस ये आपको डीसी और नटराजन को एसोसिएट कर लेना है काम हो जाएगा मुरली को मत कीजिएगा मुरली क्योंकि दूसरे बैंक के भी एम डी सी ओ के नाम में आता है ओके सो डी सी बी में से हम क्या लें ले सकते हैं डायरेक्ट करंट लगते ही हम नटराज की तरह डांस करने लग गए आई नो बट देशन आपको चार ऑप्शनिनेशन हॉल में बहुत मार्क करते हैं बिकॉज याद आ रहा होता है सी एस बी बैंक सी एस बी बैंक नाइनटीन ट्वेंटी में फाउंडेशन थार केरला सी एस बी हमने याद किया था त्रिसूर केरला के अंदर है प्रलय मंडल इंटरेस्टेड हेरिटेज स्मार्ट फ्यूचर इसके लिए मेरे पास याद कराने का कोई तरीका नहीं है फिर भी मैं एक हिंट दे देती हूँ सी एस आप ले सकते हो कंपनी सेक्रेटरी होते हैं ना सी एस तो कंपनी सेक्रेटरी अगर बड़ी बड़ी कंपनीज में नहीं हो तो वहां प्रलय मच जाएगी कौन सारा डॉक्यूमेंटेशन देखेगा प्रलय मच जाएगी तो प्रलय मंडल आप सी एस से एसोसिएट कर सकते हो ट्रस्टेड हेरिटेज स्मार्ट फ्यूचर सिटी यूनियन बैंक सी यू बी इसी से याद रखेगा इसको नाइनटीन जीरो फोर में बना था कुंभकोणम तमिलनाडु के अंदर हेडक्वार्टर्ड है हमने बोला था कब तक पहुंचेंगे तमिलनाडु या कब तक देलेगा नाड़ा राइट right? कामकोडी एन कामकोडी कब तक काम करोगे कब तक डालोगे नाड़ा काम कर भी रहे हो नहीं कर रहे हो ओके okay? तो इस सीओबी को आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं आप बैंक में खड़े हो भाई हमें कैश डिपॉजिट करना है या विड्रॉल करना है या एफडी करानी है व्हाटएवर लोन लेना है अब तो कब तक काम होगा भाई कब तक काम होगा

धन लक्ष्मी बैंक धन धन कब मिलेगा जब करेला खरीदेंगे या बेचेंगे सो करेला के अंदर बेस्ड है है 1927 है ना? 1927 ना में बना था शिवान जेके, शिवान मन धन इज दी टैगलाइन ये तो टैगलाइन भूलने वाली है ही नहीं धन लक्ष्मी बैंक तन मन धन सो आप देखिए यहाँ पे लक्ष्मी आ रही है यहाँ पे शिव जी आ रहे हैं सो ऐसा कुछ एसोसिएशन आप बिठा सकते हो धन लक्ष्मी लक्ष्मी माता है और नीचे शिव जी है जो एम डी सी है फॉरवर्ड IDFC First Bank. IDFC First Bank. 2015 में फाउंडेशन मुंबई के अंदर है वी वैद्यनाथन एंड यू फर्स्ट या बैंकिंग हटके ये इनका टैगलाइन है तो IDFC First में हम फर्स्ट को अपना हिंट ले सकते हैं पहले फर्स्ट फर्स्ट वैद्य की दवाई लेने दो फिर मैं अपने बैंक का काम चालू करूंगा ये एमडी सीईओ ये कहते हैं हम ऐसा याद कर रहे हैं ठीक है फर्स्ट मुझे वैद्य की दवाई लेने दो तो वी वैद्यनाथन वैद्य वैद्य जी की दवाई खाली पेट लेनी होती है तो फर्स्ट मुझे वैद्य की दवाई लेने दो फिर मैं आईडीएफसी बैंक का काम करूंगा और बैंकिंग हटके आप बोले तो बड़े हटके बैंकिंग हो रही है भाई हमें बोलते हो यू फर्स्ट यू फर्स्ट और आप तो पहले वैद्य जी की दवाई लेने में लग रहे हो ये कौन सी बैंकिंग हो रही है तो यू फर्स्ट भी याद रहेगा और बैंकिंग हटके भी याद रहेगा साउथ इंडियन बैंक साउथ इंडियन बैंक केरला याद है साउथ इंडियन फूड में करेला ऐड कर लो या साउथ इंडिया में केरला आता है

तो ये सितंबर 2023 तक ही इस पोजीशन पर रहेंगे अगर आप कभी ये ये वीडियो देख देख रहे हो देख रहे हो हो और सितंबर के बाद नाम चेंज हो चुका होगा प्लीज डू फाइंड आउट द राइट वन एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग सो साउथ इंडियन बैंक है वो बोलता है नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग एक्सपीरियंस कीजिए सो ये तो आप साउथ इंडियन के साथ में जनरली एसोसिएट करके याद कर सकते हो आई एम नॉट पुटिंग मच एफर्ट्स इन टू इट नैनीताल बैंक

ये बैंक की टैगलाइन है नीचे आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखी हुई दिख जाएगी अमूल्य रिश्तों का अटूट बंधन उसके अलावा बैंकिंग विद पर्सनल टच भी अनदर टैगलाइन इज देयर ठीक है तो अमूल्य रिश्तों का अटूट बंधन तो आपका नैनीताल से बहुत स्ट्रॉन्ग नो एक एक्सपीरियंस के थ्रू बंधन बना हुआ है ऐसे कुछ कर सकते नहीं तो आपके जितने भी अमूल्य रिश्ते हैं आप उनको कहा ले जाते हो नहीं तो अमूल का बटर होता है ना आप नैनीताल बैठ के अमूल बटर खा रहे हो बस और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं अमूल्य क्योंकि इसी में आएगा और किसी में नहीं आ रहा अमूल्य की डेरी की चाय पी रहे हो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल कमिंग ओवर टू कर्नाटका बैंक फेबर 24 के अंदर फाउंडेशन हुआ था मैंगलुरु कर्नाटका के अंदर कर्नाटका बैंक कर्नाटका में ही है श्री कृष्णन हरिहर शर्मा श्री कृष्णन हरिहर शर्मा तो देखिए क्योंकि करंट अफेयर में बना रहता है ये बैंक कोई ना कोई छोटे छोटे अवार्ड्स मिलते रहते हैं इसको सो so, कौन से भगवान हैं इंडियन कल्चर की अगर हम बात करें जो नाटक करने में सबसे माहिर है यानी लीला करने में यानी कि अपने अलग अलग डिपिक्शंस दिखाने में आ, कुछ ड्रामेटिक्स करने में डांस करने में मुरली बजाने में हां जी सो श्री कृष्णा सो श्री कृष्णन नाटक करने वाले भगवान कौन है नटखट से है ना तो वो आ जाएंगे श्री कृष्णा तो श्री कृष्णन हरिहर शर्मा योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया अब यहाँ पे कीवर्ड क्या है फैमिली बैंक योर कीवर्ड इज फैमिली बैंक तो देखिए फैमिली के चार लोग हैं तो चारों नाटक करेंगे नहीं नहीं मुझे ये बैंक पसंद नहीं है नहीं, तो इन्होंने बोला do नाटक सारी फैमिली हमारे पास India, नाम में है पर हम अक्रॉस इंडिया है जे एंड के बैंक भी इसको बोला जाता है इसकी फाउंडेशन हुई है नाइनटीन थर्टी एट में श्रीनगर बेस्ड है बलदेव प्रकाश इज दी एंड सीईओ बीपी पी हाँ जे एंड के सुन के कई लोगों का बीपी बढ़ जाता है और ये जे एंड के में बैंकिंग थोड़ी करेंगे जाए और कोई बम गुलाब बारूद विस्फोट हो गया तो बीपी मत बढ़ाओ सेफ है सब कुछ ठीक है तो जे एंड के बैंक बीपी मत बढ़ाओ बलदेव प्रकाश सर्विंग टू एम्पावर ये बैंक बोलता है आपको एम्पावर करने के लिए हम सर्व करें भाई जे एंड के में आप आओ या वहीं रहते हो तो हमारे पास पैसे वैसे जमा करो यू विल बी एम्पावर्ड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो इस तरह से सेंटिमेंट एसोसिएट कर लो या तो चाहे ठीक है जी हो गए सारे ट्वेंटी वन प्राइवेट बैंक इन इंडिया जहाँ तक मेरी कोशिश रही मैंने चीज़ों को सिम्पलीफाई करने की ट्राई किया है इसमें से आपको कुछ भी चीज़ आ, अगर स्किप करनी आप कर सकते हो अपने तरीके से याद कर सकते हो अब हम आ जाते हैं साइनिंग ऑफ क्वेश्चन जिसकी स्पेलिंग रॉन्ग है एस आई जी एन आई एन जी साइनिंग ऑफ क्वेश्चन जाते जाते आपके लिए एक क्वेश्चन है उसका आंसर अगर आता है तो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा नहीं आता तो ढूंढ के दीजिए विच इज द लार्जेस्ट बैंक इन दी यूनाइटेड स्टेट्स अब मैंने यूनाइटेड स्टेट्स का क्यों पूछा बिकॉज इंडिया में फॉरेन बैंक्स भी होते हैं ठीक है और फॉरेन बैंक्स क्या होते हैं जो किसी और कंट्री के बैंक्स हैं बट दे आर ऑपरेटिंग इन इन इंडिया इंडिया आल्सो आल्सो दे हैव देयर सब्सिडरी ऑपरेशंस तो उन फॉरेन बैंक्स में से एक बैंक है ये चारों हमारे फॉरेन बैंक्स हैं जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं ठीक है एच बी एस सी सॉरी सिटी बैंक इसको क्या बोलते हैं डॉइश बैंक डॉइश ड्यूश डॉइचे ऐसे नहीं बोलते हैं डॉयश बैंक है डॉइश बैंक जेपी मॉर्गन चेस तो ये चारों फॉरेन बैंक से इंडिया में जो ऑपरेट कर रहे हैं इनमें से एक यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे लार्जेस्ट बैंक है आपको उसका नाम ठीक है सो दिस ऑल फॉर टूडे आई रियली होप यू हैव इंजॉयड द सेशन डू लेट मी नो इन द दमेंट सेक्शन इफ इट हेल्प यू और इफ यू फाउंड इट यूजफुल एंड अगर कोई भी क्वेरी है तो भी आप पुट डाउन कर सकते हो नहीं तो यू कैन ऑलवेज मेल इट टू अस अंटिल वी मीट नेक्स्ट टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टडी हार्ड बाय